तरफ से। मेरा नाम अमन पांडे, मैं आगरा फिकेरा राष्ट्रीय सेवा योजना में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम लोग यहाँ पे ट्रैक पे आ रखे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग तो हर हफ्ते हमारा ट्रैक हो जाता है, मतलब हर हफ्ते हर 10-15 दिन पे। तो आज हम लोग 100 वॉलंटियर्स के साथ, जो हमारे फर्स्ट ईयर के जो छात्र थे वॉलंटियर्स, हम लोग उनके साथ यहाँ पे ट्रैक पे आ रखे हैं। तो मतलब बेसिकली ट्रैक के लिए जो ये रास्ता है वो अच्छा है, मतलब ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, उतना भी ज़्यादा स्टीप नहीं है। लेकिन जो है कि यहाँ पे रास्ते पे उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे बहुत जगह पे सड़कें अटूटी भी हुई है, छाया घर की कमी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर कोई वॉशरूम जाना चाहे तो वॉशरूम की भी सुविधाएँ नहीं है। और मतलब बेसिकली मेन इतना होना चाहिए कि अभी समय इतनी गर्मी हो रही है तो यहाँ पर पानी की सुविधाएँ भी कहीं पर नहीं है। कहीं भी अगर मटका कहीं पेयजल वगैरह होता तो उसकी ज़्यादा सुविधा होती तो ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। तो वैसे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बस उसी की दिक्कत हमारे वॉलंटियर्स को भी हो रही है कि रुक रुक के बहुत देर तक बैठना पड़ जा रहा है, यही दिक्कत पड़ रही है यहाँ पे। रोड बंद पक्की होना चाहिए जी। हाँ सड़क मतलब कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं तो खराब ही, मतलब कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा खराब है, उतना अच्छे से नहीं चल पा रहे लोग, मतलब एक आराम से देख के चलना पड़ रहा है, बाकी फिसलने का डर है यहाँ पे। और कॉर्नर जहाँ जहाँ पे हैं कॉर्नर बहुत ज़्यादा स्टीप हैं, और उसके अलावा कॉर्नर्स पे कहीं पे भी ना साइन बोर्ड है किलोमीटर के कितना ट्रैक बचा है, इसकी भी थोड़ी बहुत रहती है कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि अभी थोड़ा सा बच रखा है। लेकिन यहाँ पे ना साइन बोर्ड है फिर, और ना यहाँ पे साइड में बैरिकेडिंग वगैरह है कि वहाँ से अगर कोई कुछ गिर रहा है तो वहाँ रुक सके। और एक सबसे अच्छी बात, मतलब और एक जो सबसे ख़राब बात जो यहाँ पे है कि यहाँ पे डस्टबिन भी कहीं पर नहीं है कि अगर कोई पानी। जी मेरा नाम नीतीश आर्य है और हम ग्राफिक कैरा से आए हैं और NSS का ट्रैक चल रहा है हमारा। ये हमने राजपुर रोड नीचे वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करा था और रास्ता जो हमने देखा अभी तक बड़ा ख़राब है, कुछ सुविधा वगैरह कुछ नहीं करी है इन्होंने शायद, मतलब हमारे तो धूप से बहुत सर घूम गया पूरा, और कहीं पे कुछ दुकानें भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, और रोड बड़ी ख़राब है यहाँ पे। नलका होना चाहिए, कम से कम पानी का तो नलका होना ही चाहिए, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है, बॉटल ख़त्म हो गई हमारी। और सरकार से क्या चाहेंगे आप, इस सड़क को कैसे बनाया जाए? सरकार से मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सड़क जो हो वो एकदम, मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए एकदम सही हो, और सड़क सही होनी चाहिए, बैठने का ठीक, कम से कम बैठने के लिए कहीं पे कुर्सी वगैरह तो रखनी चाहिए, क्योंकि इतना थक जाते हैं लोग, धूप से पूरा सर गर्म हो गया है। और बताओ कैसा लगा? रूबी नगर टूटी, वैसे बागेश्वर से हम, तो हम तो पहाड़ से ही है, तो सरकार ने जैसे बोला है कि उत्तराखंड क्या टूरिस्ट प्लेस है, तो ये जो टूरिस्ट प्लेस है इसको हम, मतलब अगर डेवलप करेंगे एक तरीके से उत्तराखंड फेमस भी होगा, और स्पेशली जो देहरादून है वो तो मेन सिटी हो गई, तो अगर हम इस पे अपने जो रूट है इस पे काम करेंगे थोड़ी बहुत तो अच्छी है, ये ट्रैकिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। जैसे हम तो पहाड़ के हम तो चल लेंगे, लेकिन जो आधे प्लेन से आते हैं, आधे मेरे दोस्त हैं जो, उनको बहुत दिक्कत होगी, आधे जो मेरे साथ के हैं वो, उनको सफोकेशन वगैरह हो रही, तो बीच में अगर थोड़ा बहुत ऐसे स्पॉट बना दे पानी के लिए बना दे, या तो फिर जो ये रोड है थोड़ी सही कर दे, ताकि हम जैसे हम आए हैं 100 लोग आए हैं, 100 लोग में से भी अगर हम 2 स्कूटी लाते हैं तो वो 2 स्कूटी आधे तक चली, तो अगर जिसकी तबीयत खराब होगी, जो जो चक्कर आ गया, जिसको सफोकेशन हो गया, तो हम उसको स्कूटी में ले जा सकते हैं। बट जो ये रास्ता है वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें वो नहीं है, ढंग से चल नहीं रही है, स्कूटी ऊपर तक नहीं पहुँच रही सही से, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उस पर थोड़ा हो जाए तो सही रहेगा। और उत्तराखंड है तो फिर हम चाहेंगे कि ये अच्छा खासा प्लेस बन जाए टूरिस्ट के लिए, और एकदम
वो हो जाए ना, विजिटिंग प्लेस हो, और क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि इस पर अच्छे से काम भी होगा तो हमारा हमारा उत्तराखंड भी बढ़ेगा, और क्या बोल सकते हैं ना, जैसे बोल रखा कि शादी के लिए भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है, और अभी देख ले एक कैफे है, अब वो तो होगा महंगा, सब तो उसका अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सरकार को भी इसमें थोड़ा वो करना चाहिए, खुद से भी लेके आना चाहिए। जो घेड़ी पानी और राजपुर ट्रैफिक मार्ग है अभी बदहाल स्थिति में है, इससे पहले भी पर्यटन विभाग द्वारा वहाँ पैसा दिया गया था मार्ग को ठीक करने के लिए, लेकिन आज भी उसके चलना बहुत मुश्किल हो गया है, कई लोग वहाँ ट्रैफिक के लिए आते हैं। उसमें पर्यटन विभाग द्वारा DPR बनाई गई है जो 1,65,00,000 की है, DPR सेंक्शन होगी, उसमें पैसा भी हमको कार्यदायी संस्था नगर पालिका है, पैसा आधा रिलीज हो चुका है हमको, हमारे द्वारा उसका टेंडर कर दिया गया है, उसमें काफ़ी वो है, उसमें शौचालय है, गजीबो है, गेट है, तो अब आचार संहिता के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था, उसमें जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सर पहले भी उसमें कई बार जो पर्यटन विभाग द्वारा भी पैसा जारी किया गया था, लेकिन उसमें ना तो अभी तक शौचालय भी नहीं है, पानी की टंकी भी नहीं है, नहीं ये जो टेंडर हुआ है इसमें शौचालय वगैरह सब पूरी व्यवस्था है। पहले जो पैसा आया था उसमें इन्होंने रोड को पक्का करने का काम शुरू करा था, जबकि वो ट्रैक रूट है वो कच्चा ही रहना था, इसलिए वो काम रोक दिया गया था, काम हो लेता है, कब तक काम हो जाएगा? अभी आचार संहिता खत्म होते ही काम शुरू। कितना समय लगेगा सर सड़क को? इसमें मैक्सिमम 3-4 महीने का टाइम लगेगा कम्प्लीट होने।